मुलव्वस है, साफ हवा का एक सांस भी हमारे नसीब में नहीं है। लेकिन बहरहाल ज़मीन जो है उसको तो अपने कब्जों में लिया हुआ है, उस पर तो लकीरें खींची हुई हैं, उस पर तो ज़ाती मिल्कियतें बनी हुई हैं। वो कुरान कहता है कि बताओ ये हक़ मिल्कियत तुम किस तरह साबित कर सकते हो इसके ऊपर, न तुमने बनाया ना तुम्हारे बाप दादा ने बनाया। जब पहले इंसान पैदा हुए ज़मीन मौजूद थी, और ज़मीन ही वसाइल और ज़राए रिज़्क़ में बुनियादी हैसियत रखती है, या तो उसमें से जो कुछ पैदा होता है फसल वगैरह वो बराए रास्त खाने के काम आता है, या बाकी चीज़ें जितनी भी उसमें से निकलती हैं वो भी रिज़्क़ का ज़रिया ही बनती हैं। तो रिज़्क़ का बुनियादी ज़रिया ज़मीन है, अर्ज़ है, और अर्ज़ के मुतल्लिक़ कुरान ने बार बार कहा है कि सवाल लिस्साइलीन, ये तमाम ज़रूरतमंदों के लिए यकसा तौर पर खुली हुई होनी चाहिए। किसी को हक हासिल नहीं है ज़मीन पे ज़ाती मिल्कियत का, सवाल ही कुरान की रूह से पैदा नहीं होता। इंतज़ाम इसका ऐसा किया जाएगा कि इसमें से फसलें ज़्यादा से ज़्यादा उगें, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, लेकिन तमाम इंसानों के लिए हो। तो मैंने कहा है ना कि कुरान जहाँ जन्नती माशरा या जन्नती ज़िंदगी की खसूसियात इन नेमतों की रूह से गिनाता है कि इतने पानी के चश्मे, ऐसे फल, ऐसे फूल, ये सब कुछ फौरन वहाँ ले आता है, साथ ही ला मक्तूअतिन वला ममनूअतिन। पहली चीज़ तो ये कि ऐसा नहीं होगा कि कुछ मौसम है जिसके अंदर ये चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, और दूसरा मौसम आ जाएगा कि इसके अंदर फिर ये चीज़ें होंगी नहीं, ये नहीं होगा। मुसलसल उसके अंदर ये चीज़ें रहेंगी, और अगली चीज़ वला ममनूअतिन, ना ही ये होगा कि कोई शख्स इसके ऊपर बंद लगा के दूसरों को उससे फ़ायदा उठाने से महरूम कर दे। ये ममनू का लफ्ज़ तो हमें मालूम है ना, ये मना कर दिया गया कि यहाँ कोई दूसरा नहीं आ सकता। इसलिए ना तो ये है कि ये इस किस्म का फितरत की तरफ से इंतज़ाम हो कि यहाँ 3 महीने या 6 महीने के लिए तो ये सारी चीज़ें हो गई और उसके बाद बिल्कुल एक कुछ फाली पैदा ना हो या कोई चीज़ पैदा ना हो, कहा ये बात नहीं है। उकलो हाद आयम उन कुरान ने दूसरी जगह कहा है, ये हमेशा रहने वाली होंगी। तो ये जितनी चीज़ें सामान रिश्क रिज्क और वसाइल नशो नमा हैं ये मुसलसल पैदा होती चली जाएंगी। ये तो हुआ फितरत का इंतज़ाम, अब आगे रहे इंसान के जिन्होंने इसका इंतज़ाम करना है। वाला ममनूअतन, ये भी नहीं है कि ये किसी के लिए खुली हो और दूसरे जो हैं वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएं, उनके लिए ममनू हो जाएं ये कि यहाँ तुम नहीं आ सकते, दूसरे आ सकते, ये बात नहीं होगी। बंद नहीं लगाए जाएंगे, बाड़ नहीं लगाई जाएगी कि कोई आए और कोई ना जाए। हर एक के लिए ज़रूरत के मुताबिक उसके लिए होगा, ज़रूरत हर एक की पूरी होगी, जमा होने नहीं दिया जाएगा, जायद आज ज़रूरत किसी के पास नहीं रहने दिया जाएगा, और ज़रूरत से महरूम कोई रहेगा नहीं। ये है जन्नती माशरा जिसका जिक्र कुरान कहता है, ला मक्तूअतिन वला ममनूअतिन। मैंने अर्ज़ किया था कि जन्नती माशरे में मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी। मर्दों का ये कुछ जिक्र किया, औरतों के मुतल्लिक अरब का वो माशरा, अरब का ही नहीं उस माशरे में तो सारी दुनिया में ही ये बेगमात या जिनको घर की औरतें कहा जाएगा, मस्तूरात कहा जाएगा, वो उनकी तादाद बहुत थोड़ी सी होती थी, बाकी सब लौंडियाँ होती थी जो बिका करती थी, नीलाम हुआ करता था औरतों का। यानी नाम आप लौंडी रखने से, कुछ जहनों में हमारे ऐसे हो गया लौंडी कहने से वो औरत जहन में नहीं रहती कि वो औरत होती थी जी, लौंडियाँ बेगा करती थी यानी औरतें बेगा करती थी, नहीं कहते ये। उन सलातीन के हरम में यानी 300-300 लौंडियाँ होती थी, जहन में नहीं आता कि ये औरतें थी, औरतों के साथ में से निकाल दिया, वो औरतें ही थी। उस माशरे का जिक्र कर रहा है, बल्कि ये कहिए कि तारीख़ के उस दौर का जिक्र कर रहा है, ये अरब की खसूसियत नहीं थी,
जितनी भी उस जमाने की नाम निहाद महजब सल्तनतें थीं उन सब के अंदर गुलाम और रौंडियां थी, और इनके यहां तो बड़ी भरमार थी। तो अब जो औरतें कुरान कहेगा तो उसमें तो वो बेशतर वही जहन में आएंगी जो उस जमाने में लौंडियों की शक्ल में थी। कहा कि इस माशरे में ये कैफियत नहीं होगी, फुरशिन मरफुआतन नहायत बाइज्जत बेगमात होंगी, नहायत उम्दा फर्शों पर बैठी होंगी। औरत का मकाम जो है उसके मुतल्लिक बातें हो रही हैं हमारे यहाँ, यानी जैसे ये कोई और सिनफ हो, कोई और ही मखलूक हो, तो उसके मुतल्लिक मर्द बैठे हुए ये तय करें कि इनका मकाम क्या है, यानी ये इंसान नहीं है। सोचिए तो सही कि हमने ये मलूकियत के दौर की ये जितनी भी लानतें हैं किस तरह हमारा जहन उनकी गिरफ्त में आया हुआ है। ये नहीं है कि एक इंसानी मसला है, मर्द और औरत दोनों इंसान हैं, ये दोनों एक मसले का हल दरियाफ्त करें, ये नहीं बात। औरतों के हकूक का फैसला जो है ये मर्द करेंगे, हैं वही जेन में के लौंडियों के मुतल्लिक वो जो मर्द होते थे आका वो फैसले करते थे ना कि इन्हें किस हद तक आज़ादी दी जाएगी, कहाँ कहाँ इनको पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, कहाँ जाने दिया जाएगा, कहाँ नहीं जाने दिया जाएगा, कहाँ ये बैठ सकेंगी, कहीं नहीं बैठ सकेंगी। ये था ना उस दौर के अंदर, मर्द सब कुछ करते थे इनके मुतल्लिक। वो तो बहरहाल कुछ लौंडियाँ थीं, तो लौंडियाँ तो ना रहीं लेकिन औरतें थीं ना, तो औरतों के मुतल्लिक जहनों में यही चीज़ चली आ रही है कि मर्द हाकम होता है, मर्द इनके ऊपर दारोगा होता है, लौंडियों के ऊपर होता था ना। तो इन बेचारियों का मेरी बेटी माफ़ रखना, नाम ही सिर्फ बदल दिया इन्होंने, जहन में इनके आज तक भी ये लौंडियाँ ही हैं। इनके हकूक मर्द मुतल्लिक थी, इनको कहाँ तक आज़ादी मिलेगी मर्द तय करेगा, वही तसव्वुर गया नहीं ज़हन से। अज़ीज़ान ईमान ये इंसान हैं, कुरान ने जो कुछ इंसान के मुतल्लिक कहा है उसमें मर्द और औरत दोनों यक्स बराबर के शरीक हैं। ये मोमिन और मोमिनात, जो कुछ कुरान ने मोमिन कह के कहा है वो उनमें दोनों शरीक हैं, इनमें से किसी को यह हक हासिल नहीं कि दूसरे के मुतल्लिक फैसला करता फिरे, एक सिनफ के मुतल्लिक। ऐसे है जैसे कुछ स्पीशीज ही अलग होती हैं ये, कि इनको क्या क्या अख्तियारात दिए जाएं, क्या क्या हकूक दिए जाएं, यानी मालिक तो ये हैं उन हकूक के। देखा ना आपने वो आका और लौंडियों वाला जो तसव्वुर था किस तरह से हमारे तहत तो शऊर में मुजमर और पोशीदा चला आ रहा है। तो कुरान ने उस दौर में जो औरत की पोजीशन थी कि उनको पामाल किया हुआ था, पांव तले रोंदा हुआ था मर्दों ने लौंडियों की शक्ल के अंदर, औरतें ही थी वो, कुरान ने यह कह के उसकी तरदीद कर दी कि इस जन्नती माशरे के अंदर जो कुरान की रूह से निज़ाम कायम होगा उसके अंदर ये बेगमात और लौंडियों की तफरीक नहीं होगी, सारी औरतें ही बेगमात की हैसियत रखेंगी। मरफूअतन बुलंद बाला पस्त नहीं, मरफूअतन आगे चार लफ्ज आए। ये जो आजकल बड़े जोर शोर से मसला चल रहा है औरतों की शहादत के मुतल्लिक, मैंने इसे दर्स का मौजू नहीं बनाया कि वो आयत यूं साथ सामने नहीं आई थी,
लेकिन एक दलील दी।